एक गुरु अपने शिष्यों को मन की शक्ति के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। वो बोल रहे थे, हम वही हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप ये सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब ही रहेंगे तो सच में हमेशा गरीब ही रहेंगे। इसके विपरीत अगर आप ये सोचेंगे कि एक दिन मैं किसी न किसी तरीके से अमीर जरूर बनूंगा तो आप सच में अमीर बन जाएंगे, क्योंकि हमारे ये सारे विचार हमारा अवचेतन मन सुनता रहता है। अगर आप सफलता और अमीर बनने के विचार अपने मन में लाएंगे तो आपका अवचेतन मन इसके लिए नए नए तरीके खोजना शुरू कर देगा, आपको नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करेगा। और ये नियम दुनिया के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो सच में आप कभी भी आत्मविश्वास से नहीं भर पाएंगे। हर चीज़ आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में ना घुसने दें। आपका मन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार, इसीलिए नकारात्मक विचारों को बगीचे में ना आने दें, नहीं तो सारा बगीचा ही खराब हो जाएगा। गुरु यह सब बोल ही रहे थे कि उनके एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या आप हमें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के विषय में विस्तार से बता सकते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, आज मैं तुम्हें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के विषय में महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। ध्यान से सुनना। पहली बात, भरोसा करो कि तुम जीत सकते हो और तुम जीत जाओगे। स्वयं पर विश्वास करना सीखो। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। इस बात पर भरोसा रखें कि आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत धन कमा सकते हैं, इज्जत शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करोगे तो ये सब पालोगे। लेकिन अगर खुद पर ही शक करते रहोगे और सोचोगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए स्वयं पर विश्वास करना सीखो। स्वयं पर विश्वास को मजबूत करने के लिए इन तीन तरीकों का उपयोग करो। पहला, किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये सोचें कि मैं इसमें सफल जरूर होऊंगा। ये कभी ना सोचें कि मैं सफल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के कुछ दिनों पहले से ही खुद से ये बोलना शुरू कर दें कि मैं इसमें सफल होकर रहूंगा, और ऐसा पूरे आत्मविश्वास के साथ करें और बार बार करें। दूसरा, स्वयं को याद दिलाते रहें कि आप जितना खुद के बारे में सोचते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा काबिल हैं। दूसरों की बुराई पर ध्यान ना दें, क्योंकि लोग तो भगवान तक को भला बुरा कहने से नहीं चूकते। इसीलिए लोगों की नहीं अपनी आवाज़ सुनें, और वह आवाज़ है, मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। और तीसरा, लक्ष्य हमेशा बड़ा चुनें। बड़ा और महान लक्ष्य इंसान को बड़ी मेहनत और बड़ा बलिदान देने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति तारों को अपना लक्ष्य बनाता है तो वह चांद तक तो पहुँच जाता है। इसीलिए बड़े लक्ष्य तय करें और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। दूसरी बात, बहानेबाजी की बीमारी का इलाज करो। ज़्यादातर लोग जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, और इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी बहाना बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं, जैसे मुझ में इतना दिमाग नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इस तरह के बहाने बनाना आज से ही बंद कर दीजिए। और बहाने बनाने की बजाय ये देखिए कि आपके हाथ में क्या है जो आप अभी कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो छोटे से शुरुआत करो और फिर उसे बड़ा बनाओ। तीसरी बात, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और डर को खत्म करो। आपको जिस भी काम से डर लगता है उसका सामना करो। केवल यही एकमात्र तरीका है उस काम के प्रति अपने डर को खत्म करने का। बड़े काम को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो और फिर एक एक टुकड़े पर अपना ध्यान लगाओ और उसे खत्म करो। जैसे कि अगर किसी को भीड़ के सामने बोलने में डर लगता है तो वह पहले बंद कमरे में यह सोचकर जोर जोर से बोले कि उसके सामने एक बड़ी भीड़ बैठी हुई है, फिर अपने कुछ मित्रों के सामने बोलने का अभ्यास करे, और ऐसा कम से कम 30 दिनों तक करे, और तुम पाओगे कि तुम एक कुशल वक्ता बनते जा रहे हो। चौथी बात, हमेशा बड़ा सोचें। इसके लिए अपने शब्दकोश में से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दें, जैसे सारी दुनिया बुरी है, सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरी इतनी औकात कहाँ, मुझे बस एक छोटा सा काम मिल जाए इतना ही काफ़ी है। ये सब छोटी सोच वाले लोगों के शब्द हैं। इन शब्दों को आज से ही बोलना और सोचना बंद कर दें। इसके बजाय बड़ी सोच वाले शब्दों का उपयोग करें, जैसे हाँ ये मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीख कर सकता हूँ, सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग सहायक भी होते हैं, मेरी ज़िंदगी खुशहाल है और ये आगे भी रहेगी। हमेशा ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे भी बुरी हालत में थे लेकिन आज वो बहुत सफल हैं। बड़ी सोच रखने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें और ऐसे लोगों की संगत करें जो बड़ी सोच रखते हैं। और इसके साथ ही अपने काम से प्यार करना सीखें, टाल मटोल करने की आदत छोड़ें और लोगों का काम तुरंत कर दें। खुद के लिए काम का बोझ इकट्ठा ना होने दें, इससे आप बहुत ही अनुशासित व प्रसन्न रहेंगे। साथ ही आपको खुद पर गर्व महसूस होगा और लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। इसके अलावा
छोटी सोच वाले लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान ना दें, बल्कि अपने बड़े लक्ष्य पर ही अपना ध्यान बनाए रखें। जब कोई मजाक उड़ाए या बुराई करे तो आप सिर्फ धैर्य रखें और कोई प्रतिक्रिया ना दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर खुद ही चुप हो जाएंगे। पांचवी बात, अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचानें। हमारा मन बहुत ही विचित्र तरीके से काम करता है। जैसे कि अगर एक साधारण व्यक्ति को कहा जाए कि एक बड़ी भीड़ के समक्ष जाकर भाषण दो तो क्या होगा, वो घबरा जाएगा, उसकी सांस फूलने लगेगी, दिल तेजी से धड़कने लगेगा और उसका मुंह सूखने लगेगा। लेकिन वही व्यक्ति अपने घर में या मित्रों के बीच उसी विषय पर घंटों तक बोल सकता है और उसे कुछ भी नहीं होगा। इससे साफ पता चलता है कि बहुत बार हमारा मन हमारे बस में नहीं होता और उस समय हमारा अवचेतन मन हम पर हावी हो जाता है। हमारे अवचेतन मन में अनंत शक्ति है, इसीलिए इसकी शक्ति का उपयोग करना सीखो, इससे बात करना सीखो। अगर आप इससे बात करना सीख गए तो फिर आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। हमारा अवचेतन मन सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे ज़्यादा जागृत रहता है, इसीलिए आप जो भी पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं उसे बोलकर अपने अवचेतन मन को बताएं। जैसे मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ। लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा, वो भी बिना किसी शक और संदेह के। ऐसा ना हो कि आप एक तरफ तो बोलें कि मुझे अमीर बनना है और दूसरी तरफ यह सोचने लगें कि मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा। दो विरोधाभासी विचार दिमाग में नहीं होने चाहिए, इससे अवचेतन मन विचलित हो जाता है और डर व चिंता से भरे फैसले लेने लगता है जो कि ज़्यादातर समय हमें नुकसान ही पहुँचाते हैं। इसीलिए अवचेतन मन की असीम शक्ति का इस्तेमाल करना सीखें। दोस्तों, अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में और डिटेल से समझने के लिए आप कुकू एफएम पर हिंदी में एक ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं जिसका नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये ऑडियो बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज़ करके अपने करियर, रिलेशनशिप और हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स जो मैंने इस ऑडियो बुक को सुनकर सीखे हैं। फर्स्ट, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अनंत शक्ति है और जैसा आप सोचेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। सेकेंड लेसन, यदि आप जीवन में सफल और अमीर बनना चाहते हैं तो अपने जीवन को सकारात्मक विचारों से भर दें। एंड थर्ड लेसन, सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिलीव्स पर काम करता है। हमें कभी भी किसी चीज़ के बारे में नकारात्मक महसूस करके उससे अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये ऑडियो बुक एक कम्प्लीट गाइड है ये समझाने के लिए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, ये कैसे काम करता है और हम कैसे इसकी पावर का सही उपयोग करके एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और जिन्हें कुकू एफएम के बारे में नहीं पता, ये इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मिलते हैं 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो शोज, वो भी 7 इंडियन लैंग्वेजेस में। कुकू एफएम पर ऑडियो शोज को सुनना टाइम सेविंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, साथ ही ये हमारे स्क्रीन टाइम को भी कम करता है जो कि आज एक बड़ी समस्या है। इस प्लेटफॉर्म का मंथली सब्सक्रिप्शन पड़ता है 99 रुपीज़ का, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WI50 तो आपको इसके फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा 50% का डिस्काउंट, यानी आपको पड़ेगा 99 की बजाय सिर्फ 49 रुपीज़ का। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। गुरु ने आगे कहा, छठी बात, अपने आसपास का माहौल सुधारें। आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास के माहौल का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए अपने माहौल का ध्यान रखें। अपने माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए आप ये 5 काम कर सकते हैं। पहला, छोटी सोच वाले लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दें। दूसरा, केवल सफल लोगों से सलाह लें, असफल और चालाक लोगों से नहीं। तीसरा, अगर आपके आसपास सफल और ऊंची सोच वाले लोग नहीं हैं तो अच्छी किताबें पढ़ें और ज्ञान हासिल करें। चौथा, किसी के भी बारे में नकारात्मक ना बोलें और ना ही किसी की बुराई करें। कभी भी अफवाहों पर विश्वास ना करें और ना ही उन्हें फैलाएं। हमेशा उन पर विश्वास करने से पहले प्रमाण मांगें। और पांचवा, अपने काम में लगातार बेहतरी लाने का प्रयास करते रहें जिससे बेहतर लोग ही आपसे जुड़ें। गुरु ने कहा, सातवीं बात, अपने नज़रिए को अपना मित्र बना लें। हमारा सोचने का तरीका ही हमारा नज़रिया कहलाता है। कुछ लोग थोड़ा सा धन कमाकर खुद को बहुत अमीर समझने लगते हैं और दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, जबकि बहुत से लोग अपार धन संपदा होने के बाद भी विनम्र रहते हैं और सबकी इज्जत करते हैं। तो सबका एक ही परिस्थिति को लेकर सोचने का तरीका अलग अलग होता है, इसीलिए व्यक्ति का नज़रिया भी अलग अलग होता है। अब बात करते हैं उस नज़रिए की जो व्यक्ति को सफल होने में उसकी मदद करते हैं। पहला, मैं मानसिक तौर पर मजबूत हूँ, ऐसा नज़रिया रखना। कभी भी खुद को कमज़ोर ना समझें, हमेशा खुद से बोलते रहें, मैं मानसिक तौर पर बहुत मजबूत हूँ, मैं मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारता, बुरा से बुरा वक्त भी मुझे नहीं तोड़ सकता। ऐसा नज़रिया रखने वाला व्यक्ति कभी भी चिंता और तनाव के घेरे में नहीं फंस सकता। दूसरा है कर्म प्रधान नज़रिया। ऐसा नज़रिया रखने वाला व्यक्ति लोगों से मदद या कीमत लेने से पहले उनको उससे ज़्यादा सुविधा, सेवा और मदद देता है। ऐसा नज़रिया रख के
व्यक्ति जीवन में बहुत सफल और अमीर बनता है क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तीसरा है दूसरों से ज़्यादा करने की सोच रखना। दूसरे लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं आप उससे भी ज़्यादा मेहनत करें, यह भी सफलता का एक राज है। जैसे कि अगर एक ही परीक्षा के लिए एक विद्यार्थी एक घंटा पढ़ाई करता है तो आप 2 घंटे पढ़ें, इससे सफलता के प्रति आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही सफल होने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। गुरु ने कहा। 9वीं बात, लोगों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा करें, क्योंकि दूसरे लोगों के द्वारा ही हमारी अच्छी या बुरी छवि समाज में बनती है। अगर आप किसी एक व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो वो दूसरे 10 लोगों को आपके बारे में बताएगा, फिर वो 10 लोग अगले 10 लोगों को आपके बारे में बताएंगे और इस तरीके से लोगों के बीच तुम्हारी खराब छवि बन जाएगी। इसीलिए सबको सम्मान दें और इज्जत से बात करें। इसमें कोई धन खर्च नहीं होता और सिर्फ फायदा ही फायदा मिलता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों की कमियों और कमजोरियों का मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी ना करें। और अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो उस अकेले व्यक्ति का पक्ष लें और बाकियों को भी समझाएं, ना कि बाकियों के साथ मिलकर उस अकेले आदमी का मजाक उड़ाने लगें। इससे वह व्यक्ति सारी जिंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरों की गलतियों को भी माफ़ करना सीखें और उन्हें खुद को सुधारने का मौका दें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं होता। सब में कोई ना कोई कमियाँ होती हैं और सबसे कभी ना कभी गलतियाँ होती हैं। 10वीं बात, काम में जुटने की आदत डालो। बहुत से लोग दिन भर बिस्तर में पड़े पड़े सिर्फ सपने देखते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लोगों को दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और वो व्यक्ति करता कुछ भी नहीं। इसीलिए सोचिए बोलिए कम और करिए ज़्यादा। जैसे कि अगर पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ सोचते ही मत रहिए बल्कि सीधे पढ़ने बैठ जाइए। जब आप बैठ जाएंगे तो अपने आप आपका मन उसमें लगने लगेगा। कोई भी काम जिसे करना है उसके बारे में जितना जरूरी है उतना सोचिए, जरूरी योजनाएं बनाइए और सीधे काम पे जुट जाइए। कोई भी छोटा सा काम जिसे अभी खत्म किया जा सकता है उसे तुरंत खत्म कर दीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। किसी भी काम की योजना बनाने में सिर्फ 5% समय ही लगाओ, बाकी का 95% समय उस काम को करने में लगाओ। हर काम को पहली बार में ही सबसे अच्छा करने की चिंता मत करो, बस काम शुरू कर दो। समय के साथ उस काम में बेहतरी अपने आप आती चली जाएगी और काम में सुधार आता चला जाएगा। गुरु ने कहा। 11वीं बात, असफलता को सफलता में बदलना सीखो। हर असफलता में इंसान के लिए एक सबक छिपा होता है। जो व्यक्ति इस सबक को सीख जाता है वह फिर उसी काम में दोबारा सफल नहीं होता। दूसरी एक बात यह भी हमेशा याद रखना कि छोटे युद्ध में भले ही हार जाओ लेकिन बड़े युद्ध में कभी नहीं हारना। मान लो तुम किसी काम में असफल हो गए, जैसे कि एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाना, तो इस छोटी हार का मतलब ये नहीं कि तुम जिंदगी से ही हार गए हो। हो सकता है कि आगे चलकर तुम उससे भी बड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ या जिंदगी में एक बहुत ही सफल और अमीर व्यक्ति बन जाओ। इसीलिए असफलता से डरो नहीं बल्कि उसे सफलता में बदलने की कोशिश करो। अतीत में मिली असफलताएं आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करती बल्कि आज आप क्या करते हैं ये बात आपके भविष्य को सुनिश्चित करती है। अगर कभी अतीत में तुम्हें किसी ने गधा या निकम्मा आदि कहा हो तो उस बात को अपने दिल में ना बिठा लें बल्कि उसे स्वीकार करने से इनकार कर दें और कुछ करके दिखाएं। इससे तुम्हारी बुराई करने वालों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर वो इंसान जो आज सफल है कभी ना कभी असफल जरूर हुआ है, इसीलिए खुद को खुद ही प्रोत्साहित करते रहें, दूसरों से इसकी उम्मीद ना रखें। रोज कुछ समय एकांत में बिताएं, ध्यान करें, व्यायाम करें और अपने मन को हल्का फुल्का रखने का प्रयास करें। 12वीं बात, लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। बिना लक्ष्य के जिंदगी जीना वैसा ही है जैसे उस नाव में बैठना जिसकी मंजिल का कोई पता ही नहीं है, फिर आप पहुंचेंगे कहाँ। इसीलिए लक्ष्य बनाने की आदत डालिए। लक्ष्य 1 दिन का हो सकता है, 1 हफ्ते का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 1 साल का या 10 साल का भी हो सकता है। जैसे आज के दिन का लक्ष्य कसरत करना या ध्यान का अभ्यास करना हो सकता है, 1 हफ्ते का लक्ष्य किसी छोटे काम को खत्म करने या एक किताब पढ़ने का हो सकता है, 1 महीने का लक्ष्य किसी गलत लत जैसे धूम्रपान या मदिरापान छोड़ने का हो सकता है, 1 साल का लक्ष्य किसी भाषा को सीखना, कोई नया काम सीखना या किसी परीक्षा को पास करने का हो सकता है। इसीलिए हमेशा लक्ष्य बनाकर काम करने की आदत डालिए और खुद को आगे बढ़ाइए। इससे आपका व्यक्तित्व एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगा और आपको हर काम में सफलता तो मिलेगी ही, साथ ही देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन लक्ष्य के साथ अनुशासन का होना भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि लक्ष्य तो बना लिया लेकिन कोई काम ही नहीं किया। चाहे 15 मिनट ही व्यायाम करें पर रोज करें, उस आदमी की तरह ना करें कि 1 दिन तो 3 घंटे व्यायाम किया फिर 6 महीने के लिए गायब हो गया। इसीलिए अपने लक्ष्य की तरफ चाहे एक छोटा सा ही कदम लें पर हर रोज लें। 13वीं बात, हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक लीडर हमेशा बड़ा सोचता है। एक लीडर में कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। 1, हमेशा अंदर से शांत रहें और धैर्य रखें। 2, दूसरों के दर्द को समझें और सहानुभूति के साथ बात करें। 3, बुरे वक्त में सबका साथ दें
ना कि कहीं छुप जाएं। चौथी, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचें और उसके लिए पूरा प्रयास भी करें। पांचवी, बुरे समय में लोगों को प्रोत्साहित करें। छठी, कभी भी घमंड ना दिखाएं और विनम्र रहें। सातवीं, हमेशा अकेले में पहले ही सोच लें कि किसी भी परिस्थिति का सामना कैसे करना है और क्या बोलना है। आठवीं, नकारात्मक लोगों की बातों को नज़रअंदाज करें, उनसे ना उलझें, सिर्फ मुस्कुरा के आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे लक्ष्य होते हैं, अपनी ऊर्जा उनके लिए बचा के रखें। चौदहवीं और अंतिम बात, जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में भी बड़ा सोचें। कई बार मुश्किल समय आते ही लोग अपना धैर्य खो देते हैं और बड़ा सोचना भूल जाते हैं। इस तरह से वो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो बुरे वक्त में भी बड़ा सोचने की आदत डालें। जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचें। जब आपका दिमाग बोले कि मैं ये नहीं कर सकता तो बड़ा सोचें। जब झगड़े की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचें। जब खुद को हारा हुआ महसूस करें तो बड़ा सोचें। जब कोई संबंध खराब होने लगे तो बड़ा सोचें। जब समय ठीक न चल रहा हो और चारों तरफ निराशा हो तो बड़ा सोचें। इस तरह जीवन की हर परिस्थिति में बड़ा सोचें। बड़ी सोच में जादू होता है, तो इस जादू का फायदा उठाएं और जीवन में मनचाही सफलता हासिल करें। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं कि कुक्कू एफएम पर पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक की हिंदी में ऑडियो बुक सुनना ना भूलें। और मंथली सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट के लिए आप WI50 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।